सर आपसे समझना चाहूंगी कि क्या एक तरह से देश की संचार व्यवस्था को ठप करना, 18% उपभोक्ताओं को संचार व्यवस्था उनकी बाधित करना, ये राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसा नहीं है, ये अपराध नहीं है? देखिए, ये एक्ट ऑफ वैंडलिज्म तो है ही गलत, चाहे वो किसी राज्य में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं हो। टेलीकम्युनिकेशन, जिसने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया कोविड के पीरियड में, सबको कनेक्टेड रखा, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं, उसके दौरान अगर आप टेलीकम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आप क्षति पहुंचाते हैं, तो ये तो बहुत ही गलत एक्ट है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में यह क्लियरली डिफाइंड है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट दैट एनी एक्टिविटी, एनी सॉर्ट ऑफ यू नो इंटेंशन टू डैमेज प्रॉपर्टी इनवाइट 3 years इम्प्रिजमेंट। अभी इस केस के अंदर सबके पास वीडियो अवेलेबल है, हमने भी टीवी पर देखा है, जिन लोगों ने ये नुकसान किया है सबके वीडियो अवेलेबल है, FIR लॉन्च करके एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा, बीइंग पंजाब बीइंग ए बॉर्डर स्टेट, सिक्योरिटी एंगल से बहुत रिस्की एक्शन है। आपने एक बार ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत टाइम लगेगा इसको रिपेयर करने में, चाहे जितनी भी कोशिश करें टाइम लगता है। उस पीरियड में हमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि तुरंत एक्शन इस पर होना चाहिए। बिल्कुल, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, देश के उपभोक्ता के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आपने बताया किस तरह से एक्ट के जरिए उन पर 3 साल की सजा का भी प्रावधान है, सबके चेहरे सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार जो है उन पर FIR दर्ज कर कार्रवाई करने में देरी कर रही है। तो क्या कुछ वजह है, किसी तरह का कोई दबाव है, किसी तरह की कोई लॉबी है जो उसमें रोल प्ले कर रही है?